बच्चों आज हम बात करेंगे फंगस में मॉर्फोलॉजी की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंगस में कि फॉर्म कैसी होती है। ये सर ज्यादातर होते हैं वो हमारे मल्टीसेलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में। ब्रेड और बियर में किसका इस्तेमाल होता है? यूनिसेलर ईस्ट का। वहीं इसकी हम फॉर्म की बात करें तो फंगस हमारा आता है थैलोफाइटा के अंदर। किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? थैलस लाइक। मतलब थैलस लाइक क्या हुआ सर? अगर हम थैलस लाइक की बात कर रहे हैं, थैलस लाइक क्या हुआ? जो क्या हो डिफरेंशिएट ना करता हो किससे? नॉट डिफरेंशिएट विद स्टेम रूट और लीफ। जो डिफरेंशिएट नहीं करता है किससे? नॉट डिफरेंशिएट स्टेम रूट और लीफ, उसे हम क्या कहते बेटा? थैलस लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वही अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, अगर हम थैलेसाइज स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं तो हमें एक लॉन्ग स्लेंडर एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइफी कहते हैं। जब हम इसको जूम करके देखते हैं हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और हम हाइफी को जब और जूम करते हैं, जब इसके अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? एक सेल दिखाई देगी जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? जिसके अंदर कंप्लीट साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये मान लो हमारी क्या है? सेल है। इसके ऊपर क्या बेटा? सेल वॉल है। ये समझो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और ये सेल वॉल जो है किसकी बनी हुई है? ये सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की। इसी तरह इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। इसमें क्या है बेटा? ये हमारा एक कंप्लीट सेल है। और ये क्या है? इसकी क्रॉस वॉल है। इसे हम क्या कहें? चाहे तो सेप्टा कहें, चाहे तो हम क्रॉस वॉल कहें। जब हमने हाइफी को देखा तो हमने क्या देखा कि ये कैसा है? एक कंप्लीट क्या बना रहा है? एक कंप्लीट सेल बना रहा है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। और इसमें क्या मौजूद है? क्रॉस वॉल मौजूद है। इसे हम क्या कहेंगे? सेप्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टा। मतलब हाइफी की दो फॉर्म होती है, एक सेप्टेज जिसमें क्रॉस वॉल मौजूद है और एक क्या होगी? एक सेप्टेज जिसमें क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। इसमें क्या है बेटा? क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। और ये कैसा है? मल्टी न्यूक्लियेटेड है। कैसा है? मल्टी न्यूक्लियेटेड। मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? मल्टी न्यूक्लियेटेड कहा जाएगा। और इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या बात किया? हमने बात किया बेटा मॉर्फोलॉजी की। अगर इसके फॉर्म की बात करें तो हमारा फंगस कैसा होता है? फंगस ज्यादातर मल्टीसेलर होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्ट ईस्ट, तो ईस्ट कैसा होगा? यूनिसेलर होगा जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में और अमृत बनाने में। मतलब एक खाने में और दूसरा पीने में। खाने में हो गया ब्रेड और दूसरा हो गया बियर। वही अगर हम इसको देखते हैं तो हमें एक कैसा दिखाई देता है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक लंबा स्लेंडर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम हाइफी कहते हैं। और हाइफी को जब हम जूम करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है क्रॉस वॉल जिसे हम सेप्टा कहते हैं। और ये एक कंप्लीट सेल है जिसमें क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है। अगर सेप्टा मौजूद है तो सेप्टेट कहेंगे, अगर सेप्टा मौजूद नहीं है तो एसेप्टेट कहेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं एक्चुअल बात करते हैं कि हमारा हाइफी में देखने में कैसा होता है, तो ये एक अकेला सिंगल नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं जिसमें हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा। यस, हाइफी अकेला नहीं होता बल्कि क्या होता है? हाइफी का झुंड होते हैं। ये क्या है? हाइफी का झुंड है। हाइफी अकेला नहीं होगा, यूनिसेलर नहीं होंगे बल्कि ये क्या होंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफी होंगे जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। क्या कहेंगे? माइसीलियम। हाइफी क्या है? हाइफी जो है हमारा जो फंगस है वो क्या है? हाइफी का झुंड है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है। यस, जिसे हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो माइसीलियम अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है।
तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, ये किसके अंदर आया कविता, मॉर्फोलॉजी फंगस थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा मीन थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। थैलस लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो डिफरेंशिएट ना करता है स्टेम रूट और लीफ से। जब इसको हमने जूम करके देखा तो हमें एक लंबा लॉन्ग स्ट्रैंड का एक थैलस स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे हम हाइफी कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एक कंप्लीट सेल होती है जिसमें अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर क्रॉस वॉल मौजूद हो उसे सेप्टेट कहा जाएगा, अगर क्रॉस वॉल मौजूद ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एसेप्टेट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोसिंथेटिक हाइफी। क्या नाम होता है, कोसिंथेटिक हाइफी। इसका दूसरा नाम क्या होगा, कोसिंथेटिक, जिसमें क्या है, क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, जो कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रही है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अगर इसको हम देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, ये अकेला हाइफी नहीं बल्कि नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। फंगस के न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और हमारा म्यूचुअलिज्म। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आइए बने रहिए और देखते रहिए हर्षित सर चैनल को। जय हिंद जय भारत। अरे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फंगस की मॉर्फोलॉजी को देखा था, अब हम जानेंगे फंगस की न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमें मालूम है कि फंगस क्या होते बेटा, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। आइए इसके बारे में लाइन बाय लाइन समझते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, जो सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटरोट्रॉफिक तो हैं लेकिन सड़ी गली चीजें तो नहीं खाते हैं ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों को खा रहे हैं वो क्या होगा, सैप्रोफिटिक होगा। जैसे कि फंगाई, फंगाई क्या करता है, आप लोग रास्ते में जाके होंगे कई बार देखते होंगे भैंसा मर गया है, बफेलो मर गई है, और जहां बफेलो मर गई है वहां पे फंजाई अटैक करता है, उसके स्पोर अपने आप ही ग्रोथ करते हैं, और जब स्पोर ग्रोथ करते हैं तो एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो भैंस को सड़ाने गलाने में और उससे न्यूट्रिशन लेने में कारगर होता है, और वो क्या कर देता है, वो वहां पे उस बफेलो को डिकम्पोज कर देता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर भी कहा जाता है, और वो वहां से क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो ये पैरासिटिक भी होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक अलग अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल अलग होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि हम किसी लिविंग बॉडी के होस्ट में एज अ होस्ट रह भी रहे हैं और उससे न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, मतलब उसी की बॉडी में रहकर उसी को नुकसान पहुंचाकर उसी से न्यूट्रिशन लेने को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। तो जैसे हमारा ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट कैसा बेटा, लिविंग है, हाँ, और ये फंगस भी क्या है, लिविंग है। तो ये लिविंग बॉडी में रहकर एज अ लिविंग क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक। दो कंडीशन है, लिविंग होस्ट भी होना चाहिए और ये भी क्या है बेटा, लिविंग है, दोनों क्या है, लिविंग है, तो ये पैरासिटिक भी होते हैं। और तीसरा क्या होगा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या हो रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, और आप पढ़ रहे हो तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे एक दोनों दूसरे का फायदा है, मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, मतलब ये मान लो आप हो ये हम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी आप पढ़ रहे हो, और आप पढ़ रहे हो तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझो, ओके। तो दोनों का जहाँ फायदा हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। तो हमारी ये क्या होती है बेटा, फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। कैसे, जैसे पहला एग्जांपल है हमारा लाइकेन, ये एल्गाई के साथ मिलके फंगस जो होते हैं एल्गाई के साथ मिलके क्या बनाते हैं बेटा, लाइकेन बनाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं, ये फंगस जो होते हैं वो एल्गी को क्या कहते हैं, सेल्टर कहते हैं, रहने के लिए वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, और वही हमारा जो एल्गी होता है वो क्या करता है, फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, ये अपने आप खाना बना नहीं सकते हैं। फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को पानी दे रहा है और रहने की जगह दे रहा है, और एल्गी क्या कर रहा है, इसको खाना बना के दे रहा है। और हमारी एनसीईआरटी दूसरा एग्जांपल लिखिए माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा मतलब होता है रूट।
मतलब ये हायर प्लास्ट की रूट में रहकर फंगस जो है हायर प्लास्ट की रूट में रहकर रूट को क्या कर रहे हैं, मिंगल और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। रूट को क्या कर रहे हैं फंगस, मिंगल और वाटर दे रहे हैं और हमारा रूट फंगस को शेल्टर और खाना दे रहा है। एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, इसका एग्जाम्पल होगा पाइनस। क्या होगा, स्पाइनस। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर हम फंगस की बात करते हैं बच्चों, तो फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये तीन टाइप में हमने पढ़े, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक मतलब ये सड़े गली चीजों से अपने एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन को, साथ ही साथ ये क्या होंगे, डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजर्स होते हैं। पैरासिटिक की बात करें, ये क्या करते हैं, ये लिविंग बॉडी की होस्ट में, लिविंग बॉडी में रहकर उन्हीं से न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। साथ ही साथ ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि लाइकेन और दूसरा माइकोराइजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन से आगे पढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।